काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर, पूछेंगे हम बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ साक्षी तिवारी। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की मुख्य खबरों पर। किसान नेता पर हुए जानलेवा हमले के बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे पानीपत। किसान नेता राम सिंह कुंडू की हालत बताई जा रही गंभीर, हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे चढ़ूनी। प्रदेश के नागरिकों को 24 घंटे पुलिस सहायता की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की डायल 112 की शुरुआत। पुलिस, फायर और एम्बुलेंस सेवा से जुड़ी आपात सेवाओं के लिए 112 नंबर जारी। मुख्यमंत्री ने 601 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स को दिखाई हरी झंडी। लगातार गहराता अंसल सुशांत सिटी का मामला, डीसी से मिले अंसल वासी। अंसल वासियों की मांग, नगर निगम में शामिल हो अंसल सिटी, अंसल के प्रधान पर लगे गंभीर आरोप। रुकते हैं ब्रेक के लिए। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर NCR का सबसे बड़ा 200 बेडेड हॉस्पिटल अब आपके शहर पानीपत में, जहां 30 बेड का ICU ट्रॉमा सेंटर, एम्स हॉस्पिटल के बेहतरीन डॉक्टर्स द्वारा उच्च स्तरीय इलाज व 24/7 इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, अपोजिट PVR मॉल, पानीपत। लो बर्थ वेट, प्री मेच्योर बेबी और नवजात शिशुओं का इलाज कराएं एम्स के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम द्वारा। आएं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, ऑपोजिट PVR मॉल, पानीपत। किडनी संबंधित सभी प्रॉब्लम्स के लिए अब बिल्कुल भी मत घबराएं। आएं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, ऑपोजिट PVR मॉल, पानीपत, जहां गुर्दे रोग का उच्च स्तरीय इलाज एम्स के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम द्वारा कराएं। अब सभी तरह के कैंसर का बेस्ट ट्रीटमेंट उपलब्ध, वो भी एम्स के डॉक्टर की बेस्ट टीम द्वारा, सिर्फ ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर में, अपोजिट PVR मॉल, पानीपत। आपके हरियाणा का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां जहर से बचने के लिए अत्याधुनिक मशीन ECMO द्वारा इलाज संभव, सिर्फ ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर, अपोजिट PVR मॉल, पानीपत में। अब न्यूरो संबंधित अपनी सभी समस्याओं का इलाज आज ही एम्स के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम द्वारा कराएं एट ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, ऑपोजिट PVR मॉल, पानीपत। सीने में दर्द, घबराहट व सांस फूलने जैसी सभी समस्याओं के लिए आज ही आएं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, ऑपोजिट PVR मॉल, पानीपत, जहां एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, इको, TMT व सभी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए एम्स के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम 24 घंटे उपलब्ध। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, अपोजिट PVR मॉल, पानीपत। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर, अपोजिट PVR मॉल, पानीपत में सभी प्रकार की जनरल सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है एम्स डॉक्टर्स की बेस्ट टीम द्वारा। पेट संबंधित सभी रोगों से निजात पाने के लिए आज ही आएं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर, ऑपोजिट PVR मॉल, पानीपत, और एम्स के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम द्वारा अपने लिवर का पाएं बेस्ट ट्रीटमेंट। स्त्री संबंधित हो कोई भी समस्या तो आज ही आएं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, ऑपोजिट PVR मॉल, पानीपत, जहां अनुभवी गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा होता है स्त्री संबंधित सभी प्रॉब्लम्स का सफल इलाज। सीने में दर्द, घबराहट व सांस फूलने जैसी सभी समस्याओं के लिए आज ही आएं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, ऑपोजिट PVR मॉल, पानीपत, जहां एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, इको, TMT व सभी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए एम्स के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम 24 घंटे उपलब्ध। अब हड्डी संबंधित सभी रोगों का सफल इलाज कराएं एम्स के अनुभवी ऑर्थोपेडिक सर्जन व जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट द्वारा। आएं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, ऑपोजिट PVR मॉल, पानीपत। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। धान की रोपाई में जल संकट के चलते अनाज मंडी में किया गया हवन यज्ञ व भंडारे का आयोजन। आरतियों का कहना, हवन यज्ञ का एक और उद्देश्य, भगवान सरकार को दे सुदबुद्धि, तीनों कृषि कानून लिए जाएं वापस। दिल्ली रोहिणी में चल रहे स्टेट लेवल स्पोर्ट्स पावर लिफ्टिंग में समालखा के दो खिलाड़ियों ने जीता गोल्ड और सिल्वर। दोनों खिलाड़ियों ने बनाई नेशनल में जगह, समालखा पहुँचने पर किया गया जोरदार स्वागत। आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। लोगों की अक्सर एक शिकायत सुनने को मिलती थी कि पुलिस समय पर नहीं आई, पुलिस की छवि को इंडियन सिनेमा ने भी बहुत खराब किया। हर पिक्चर में डायरेक्टर कोई हो, स्क्रिप्ट राइटर कोई हो, जब भी कोई घटना दुर्घटना होती है तो पुलिस
हो जाने के बाद ही वहां पर पहुंची हुई दिखाई जाती है। लेकिन अब नहीं होगा, हरियाणा में नहीं होगा। हरियाणा का आज का दिन हमेशा याद रखा जाएगा कि आज हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया, आज हमने डायल 112 सर्विस की शुरुआत की और हम हरियाणा की जनता से को ये वचन देते हैं कि हरियाणा के किसी भी व्यक्ति को, किसी माँ बहन को, बुजुर्ग को, किसी औरत को, किसी पीड़ित को अगर पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी तो पुलिस की गाड़ी 15 से 20 मिनट के बीच में उसके पास पहुंचेगी। इस बात का आज हम हरियाणा की जनता को वचन देना चाहते हैं। एक युग के परिवर्तन का दिन है। हरियाणा की जनता को हम लोगों ने 5S इस नाते से एक गारंटी देने की बात कही है, जिनमें हम कह सकते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। अगर ये चीज़ें हम जनता को मुहैया करा सकें, एक विश्वास दिला सकें, तो मैं समझता हूँ एक जनता का एक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना ये सार्थक हो जाएगा। तो इनमें से आज अगर विचार करते हैं तो जो ये प्रणाली हम शुरू कर रहे हैं, आपातकालीन त्वरित एक सुरक्षा प्रणाली, इससे सुरक्षा और स्वाभिमान ये दोनों सुनिश्चित होते हैं। यानी व्यक्ति को कहते हैं रोटी कपड़ा मकान ये तो मिले ही, लेकिन अगर सुरक्षा मिली तो जीवन कहीं ना कहीं संकट में पड़ सकता है। तो सुरक्षा की सुनिश्चितता अगर सरकार किसी से, किसी के माध्यम से दे सकती है तो एक एफिशिएंट पुलिस के माध्यम से दे सकती है। पुलिस इज ऑलवेज नोन ए फेस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का चेहरा अगर कोई कहते हैं तो वो पुलिस ही होती है। पुलिस का जिस प्रकार का व्यवहार रहेगा गवर्नमेंट का व्यवहार वैसा माना जाएगा। पुलिस की जिस प्रकार की प्रणाली रहेगी वैसी प्रणाली सरकार की प्रणाली बनी जाएगी। तो आज हमने अपनी प्रणाली में जो एक सुधार करते हुए हरियाणा 112 आपातकालीन त्वरित ये जो सहायता योजना शुरू की है, आज कोई भी हरियाणवी अब इसके बाद, कल के बाद अपने आप को बेसहारा महसूस नहीं करेगा, बल्कि घटना होने पर, विपत्ति होने पर ये 112 जो है ये उसका वास्तविक साथी होगा, उसके साथ खड़ा रहेगा हमेशा। तो इस प्रकार से ये जो सेवा शुरू की गई है ये 24/7 जो आज हमने दोनों यहां की कार्यप्रणाली के स्थान देखे हैं, चाहे वो सीओ है चाहे वो डीओ है, जिसके अंदर सैकड़ों की संख्या में, लगभग 100 की संख्या में 24 आवर्स जो लोग हैं, इसका एक सब सेंटर गुरुग्राम में भी बनाया गया है। हरियाणा प्रदेश में भी जल्द लागू हो सकती है टू चाइल्ड पॉलिसी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर ने किया पॉलिसी का समर्थन। दरअसल विश्व जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसंख्या नीति शुरू की है, जिसका उद्देश्य उन जोड़ों को प्रोत्साहित करना है जिनके 2 या 2 से अधिक बच्चे नहीं है, और इस नीति को पानीपत शहर में भी समर्थन मिला। बीजेपी की जिला कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने पानीपत पहुंचे प्रदेश शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर ने टू चाइल्ड पॉलिसी का समर्थन किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वह यूपी में लागू टू चाइल्ड पॉलिसी का स्वागत करते हैं, जो कि देश के लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है।
वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में भी मुख्यमंत्री इसकी घोषणा कर सकते हैं, जिसका वह दिल से समर्थन करते हैं। उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उन्होंने टू चाइल्ड पॉलिसी पे ड्राफ्ट तैयार, बिल्कुल स्वागत करता हूँ, एकदम जबरदस्त। नहीं अभी तो नहीं, अभी तो मुख्यमंत्री जी करेंगे इसकी घोषणा जो भी है, पर लेकिन मैं उसको समर्थन करता हूँ, बहुत जरूरी है। यूपी कानून आयोग के अनुसार नीति स्वैच्छिक होगी। हालांकि यदि कोई व्यक्ति जब दो या दो से अधिक बच्चे पैदा नहीं करने का फैसला लेता है तो वह पूरी तरह से सरकारी योजनाओं के पात्र होंगे, लेकिन जो लोग नीति का पालन नहीं करते उन्हें सरकारी नौकरियों, राशन लेने और अन्य में प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। तो टू चाइल्ड पॉलिसी आपके नजरिए से कितनी सही है और यह हरियाणा प्रदेश में लागू होनी चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे जरूर साझा करें। वीडियो रिपोर्ट सिटी तहलका। पानीपत के संभालका हल्के में स्पोर्ट्स पावर लिफ्टिंग गेम में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर लौटने पर खिलाड़ी गोविंद कुमार और अमित कुमार का संभालका पहुंचने पर द शिवा जिम द्वारा फूल मालाओं व मिठाई खिलाकर जोरदार स्वागत किया गया। खिलाड़ी गोविंद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली रोहिणी में स्टेट लेवल स्पोर्ट्स पावर लिफ्टिंग के गेम चल रहे थे, जिसमें 25 से 30 अलग अलग क्षेत्रों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से हम दो खिलाड़ी संभालका के थे। अमित कुमार ने गोल्ड और गोविंद कुमार ने ब्रॉन्ज सिल्वर मेडल हासिल किया और दोनों का 8, 9 व 10 अगस्त को होने वाले नेशनल मैच में सिलेक्शन हो चुका है। दोनों ही खिलाड़ी द शिवा जिम में काफी दिनों से मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल उनके सामने है और अब आगे होने वाले नेशनल टूर्नामेंट के लिए तैयार किया जा रहा है। आने वाले समय में वह अपने संभालका का नाम रोशन करेंगे। दिल्ली गए थे हम, दिल्ली रोहिणी सेक्टर में, और हमारा दिल्ली स्पोर्ट्स पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन में हमारा, मेरा सिल्वर आया, इसका गोल्ड आया, एक सिल्वर आया, मेरा बेंच प्रेस मारी है मैंने 140 दे दी और नेशनल के लिए हमारा सिलेक्शन हो गया है। 8, 9, 10 अगस्त को हमारा नेशनल है। हम शिवा जिम में ट्रेनिंग करते हैं बहुत दिनों से, यहाँ से हम अच्छे से गए हैं और हमारी टीम गई थी, हम टीम में से हम दोनों ने मेडल जीता है वहाँ पर। अब नेशनल में हमारा कितनी टीमें आई थी वहाँ? बहुत सारी टीमें थी, 20-25 टीम्स आ रही थी, लगभग 200-300 बच्चे आए थे वहाँ और उन्होंने हमने मेडल जीता है। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की। आज के बुलेटिन में इतना ही, अगले बुलेटिन में मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।